देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें आपको ना एक ट्राइंगल आपको दे दिया गया है। सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ 7 मीटर वाइड, मतलब ये 7 मीटर वाइड रोड आपको दे दी गई है भाई यहाँ पे, एज सोन बिलो। तो सी वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस, तो यानी ये वाला डिस्टेंस जो है आपको डी दे दिया गया है, ठीक है भाई, डी आपको दे दिया गया है। और आइदर साइड बिटवीन द टू लाइट पोल्स, टू लाइट पोल्स मतलब दिस इज द पोल नंबर 1, दिस इज द पोल नंबर 2 वी हैव ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड। तो द फिगर ये इसमें बता दी गई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर, तो डी को बताना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, है ना भाई, पहले ऑप्शन भी देखना सही है, कभी आप 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऐसे निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा ऑप्शन देखो पहले एक बारी क्वेश्चन करने से पहले। तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर, क्वेश्चन में बात फाइनल हो चुकी है, निकालना क्या है बच्चों। बीबीटी थ्योरम तो पढ़ी थी बढ़िया से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जैसे थेल थ्योरम भी बोला जाता है। तो यहां से अगर ये वाला डिस्टेंस हमारे पास डी है ना, ये बात तो कंफर्म है कि ये वाला ट्राइंगल राइट है, और तो ये वाला एंगल भी क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ए ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना, ए ए सिमिलैरिटी हम लगाएंगे तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे बीबीटी से। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, ये वाला पी है, ये वाला 7 है, तो ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भाई, क्योंकि सेम सेम साइड में आपको दे रखा है। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, पी प्लस के 7 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यूजिंग बीबीटी वी कैन से, तो जब हम इसमें बीबीटी लगाएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी प्लस 7 जो है, पी प्लस 7 अपॉन में कितना जाएगा, पी, साइड के रेशियो जब हम लेंगे, ऐसे ही हमारे पास डी अपॉन में कितना हो जाएगा आर। हमें निकालना क्या है, डी को निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर, डी को निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डी का वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर देंगे। तो जब हम डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई, तो डी इज इक्वल डी पी बन जाएगी भाई, है ना, डी पी बन गई इज इक्वल टू आर पी प्लस के साथ, डी को निकाल दो यहाँ से, आर पी प्लस के साथ अपॉन में पी, ये आ गया डी, हो तो गया भाई डी इन टर्म्स ऑफ आर और पी, तो आर पी प्लस 7 अपोन में पी, ये कोई आंसर आ जाएगा। तो हम इसके आंसर की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। डी पे तो दे रखा था देखो भाई, ये वाला ये यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। इसी के बाद जब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए,